अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या हाल है आप सबको? मोहम्मद यूसुफ के डेली व्लॉग चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने एक ऑनलाइन घड़ी मंगवाई है, वो भी एक आयात वाला लियो ब्राइड्स कंपनी से। 5 दिन हो गए इसकी डिलीवरी को, 5 दिन के बाद ही आ गया। मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये इस बॉक्स की पैकिंग को आप ज़रा देखें, ये किस तरीके से इन्होंने पैकिंग किया है। आए हर चीज़ मैं आप सबको दिखाता हूँ किस तरीके से। हालांकि वो एक आया थे लेकिन इन्हें बिल्कुल, ये बॉक्सिंग आप देख सकते हैं। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। अभी इसका अनबॉक्सिंग शुरू हो गया है, अभी इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये एक मिनट से एक साइड से खुले थे, ये खुल रहा है। अभी तो खुल के दिखाते हैं। ये देखिए एक साइड पे खुल गया, ये मुकम्मल तरीके से शहीद हो गया है। ये देखिए इनका बॉक्सिंग, देखिए इस तरीके से मैंने बॉक्सिंग किया है। पैकिंग इनकी अच्छी नहीं है फिर कैसे शहीद नहीं हो जाएगा। ये देखिए ये भी खोल के आपको दिखाते हैं। ये अभी खोल के अभी आपको दिखाते हैं। मुकम्मल तरीके से शहीद हो गया, अभी आपको करीब से भी दिखाते हैं। ये देखिए ये भी खोल गया, ये इसका घड़ी का मशीन एक साइड पे गिरा हुआ है। ये देखिए ये एक पीस है, ये देखिए ये पिछला हिस्सा मुकम्मल क्रैक हो गया है। ये देखिए ये इसका मशीन है मोटर घड़ी का। ये अभी आपको करीब से मैं दिखाता हूँ। ये अभी आ जाएँ, ये देखिए करीब से ये मुकम्मल, देखिए ये मुकम्मल शहीद हो गया है, मुकम्मल शहीद हो गया है। ये इस तरीके तो दोस्तों हमने मुकम्मल अनबॉक्सिंग का भी वीडियो आपको दिखाया है। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखिए मुकम्मल तरीके से ये शहीद हो गया है। ऑर्डर लेते वक्त ये आपको इतने तसल्लियाँ देते हैं, इतने तसल्लियाँ देते हैं, जब ऑर्डर पहुँच जाता है फिर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं। ये देखें कितनी बेदरी, ये देखें। और कुछ नहीं, अगर और चीज़ें अल्लाह ताला की ये नाम है, ये आयात है, इनका तो तकरीबन इनको ख्याल करना चाहिए, इनको तमीज़ करना चाहिए, क्योंकि इतना भी तमीज़ नहीं है अल्लाह। ये देखें शहीद हो गया है अभी ये। दोस्तों मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद किसी की कारोबार को ख़राब करना या किसी को, यानी किसी को भी नुकसान पहुँचाने का मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि भाई कितने लोग जो हैं ऑनलाइन मंगवाते हैं, आयातें मंगवाते हैं, कुरान मजीद के आयातें मंगवाते हैं, या इस तरीके जैसे कि मैंने घड़ी मंगवाई आयात वाला ऐसे मंगवाते हैं, या कोई मुसल्ला नमाजी मंगवाते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे चीज़ों पे इनको गुजारिश मैं करता हूँ कि एहतियात करें, इन चीज़ों के एहतियात से पहुँचाएँ, इनकी तमीज़ करें, ताकि कुरान मजीद के आयात हो या फिर नमाजी हो या फिर कोई एक और दुआ हो तो इनको तकलीफ़ नहीं पहुँचे। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे मुकद्दस चीज़ों को, ऐसे मुकद्दस आयातों को एहतियात से पहुंचा दिया जाए। आज का मेरा वीडियो का उन्वान सिर्फ यही है। आप सबसे गुजारिश है, अगर जो भी ऑनलाइन कारोबार करता है तो उनसे गुजारिश है, वैसे भी बंदा पैसा देता है तो उनको चीज़ बराबर पहुँचना चाहिए। अगर बात आए तो ऐसे आयात की या कुरान मजीद की, ऐसे आयातों की, या फिर कोई मुसल्ला नमाजी की, ऐसे मुकद्दस चीज़ों को, ऐसे मुकद्दस आयातों को एहतियात से इनकी डिलीवरी की जाए, इनको एहतियात से पहुंचा दिया जाए तमीज़ से, ठीक है। मेरे आज का वीडियो का उन्वान यही था आप सब। तो दोस्तों एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी ऐसा शख्स जो ऑनलाइन कारोबार करता है, आजकल मुल्क भर में हर जगह पे ऑनलाइन कारोबार चल रहा है, तो जो भी ऑनलाइन कारोबार कर रहा है तो उन सबसे गुजारिश करता हूं मैं कि ये मुकद्दस चीज़ें, ऐसे मुकद्दस आयातें हैं जो भी हैं, इनको एहतियात से तमीज़ से एक पाक साफ चीज़ में बंद करके इनको डिलीवरी की जाए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप सबको पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।